वी हैव फोर क्वेश्चन. सो सेम एज इट इज, इसमें भी क्या है, फ्रैक्शंस ही हैं. सो फर्स्ट स्टेप, इफ देयर इज ए मिक्स फ्रैक्शन सो राइट इन इम्प्रॉपर. तो मिक्स फ्रैक्शन तो है ही नहीं है. सो हाउ वी राइट, 2/5 डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई. 1/2 का क्या आ जाएगा, 2/1. क्लियर. सो नाउ वी मल्टीप्लाई, 2 2s are 4, 5 1s are 5. दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज अवर आंसर. नाउ नेक्स्ट पार्ट, लाइक यू हैव 4/9 डिवाइडेड बाय 2/3. सो कैसे करेंगे, 4/9 डिवाइड की जगह में क्या लगाना है, मल्टीप्लाई. देन वी राइट इट्स रेसिप्रोकल. 2/3 का क्या आ जाएगा, 3/2. डिवाइड के बाद हमें रेसिप्रोकल लगाना है. क्लियर. सो अब लोएस्ट टर्म में अगर सेम टेबल पे आते हैं, देन कट डाउन, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 3 1s are 3, 3 3s are 9. दे लाई ऑन द सेम टेबल. नाउ अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1s are 2, 3 1s are 3. अब ये दोनों सेम टेबल पे नहीं आते, दिस इज आवर आंसर एंड दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज न्यूमिरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. क्लियर. एंड नाउ नेक्स्ट पार्ट, इफ यू हैव मिक्स फ्रैक्शन, अगर आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, यू हैव टू कन्वर्ट इन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करेंगे, 2 3s are 6, 6 + 1 7/3 डिवाइडेड बाय 3/5. देन यू अप्लाई मल्टीप्लाई साइन. अब मल्टीप्लाई के बाद, जब हमने डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई लगा दी, देन राइट इट रेसिप्रोकल. 3/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4/3. अब ने डोंट लाई ऑन द सेम टेबल, न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर में कोई भी सेम टेबल पे नहीं आता. देन वी मल्टीप्लाई न्यूमिरेटर टू द न्यूमिरेटर, 7 5s are 35, 3 3s are 9. दिस इज इम्प्रॉपर फ्रिक्शन. न्यूमिरेटर इज ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर. देन वी कन्वर्ट इन टू द मिक्स फ्रिक्शन, 9 4s are 36, दिस इज ग्रेटर दैन. सो वी राइट ऑन 9 3s are 27, देन 15 - 7 दैट इज 8. सो योर न्यूमिरेटर, सॉरी, कोशेंट एज रिटन एज होल नंबर 3, योर रिमाइंडर राइटन एज न्यूमिरेटर डिवाइजर एज इट. क्लियर. दिस इज अवर आंसर, 3 8/9.